हाल ही में बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट करने के बाद गुरुवार को सनी देओल ने अपनी एक और फिल्म की अनाउंसमेंट की है। हालांकि इस बार सनी बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ के निर्देशक गोपी चंद्र मिलोनेनी के साथ एक एक्शन फिल्म करने वाले हैं। बता दें, फिल्म को माइथ्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन करेंगे, जो अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा 2 के मेकर्स हैं। बता दें कि फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए मेकर्स ने दावा किया कि यह अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी। फिल्म का टाइटल अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। इसका टेंटेटिव टाइटल SDGM रखा गया है। इसका मतलब सनी देओल गोपी चंद्र मिलोनेनी है। वहीं गुरुवार को हैदराबाद में पूजा सेरेमनी के बाद मेकर्स ने इस फिल्म को लॉन्च किया। अब 22 जून से सनी इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। इसमें उनके अलावा सियामी खैर और रेजाना काम करने वाली हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर गोपी चंद्र की पिछली फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी, जो काफ़ी सुपरहिट रही थी। वीरा सिम्हा रेड्डी इस फिल्म का नाम था। नंदमुड़ी बालकृष्ण स्टार इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 134 करोड़ कमाए थे। वहीं इससे पहले पिछले ही हफ्ते 13 जून को सनी ने बॉर्डर के दोबारा से आने की खबर दी थी और बताया था कि एक बार फिर से बॉर्डर 2 आने वाला है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक वीडियो भी आया था, सिर्फ बैकग्राउंड में सनी देओल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे कि 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा, उसी वादे को पूरा करने, हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। इसके साथ ही बैकग्राउंड में फिल्म का गाना संदेशे आते हैं भी सुनाई दे रहा है। बता दें कि बॉर्डर 2 के आने के साथ साथ अब सनी देओल एक और सुपरहिट फिल्म में काम करने जा रही हैं। मेरा रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।